बस दोपहर के 1:30 बज गया, हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। अब देर हो रही है, बस निकल रहे थे। मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात बात कर लेती हूँ, अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। वहाँ पे तो पता नहीं टाइम नहीं वहाँ पे लगेगा बात बात करने का। और बस अब बाहर मौसम भी ना आज अच्छा हो गया, धूप नहीं है, मौसम भी अच्छा हो गया आज। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर धूप नहीं है। और अभी बस 10 बजे के करीब आ गए थे वहाँ से दीदी के वहाँ से। पहले हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, ये नकली नोट। दस बजे के करीब आ गए थे, वैसे हम लोग तो अकेले ही जा रहे थे, मतलब ये तो काम पे जा रहे थे, पर ये फिर कहते मैं लेट हो जाऊंगा इसके साथ ही चलो तुम लोग। तो बस हम निकल रहे हैं, बाहर बैठे हैं, देर हो रही है, चलो फिर चलो। चलते हैं वहाँ पे। तो और आते हुए शायद पापा के वहाँ पे होके आऊँगी, मम्मी के पास वहाँ पे भी जाऊँगी। चले चलो फिर चलते हमारी। क्या हो गया? बस ये तो ये आना को टेडी बियर लेके जाना है, तो चलो फिर निकलते हैं, देर हो रही है। अभी ना मैंने दूसरे वाला सूट डाला था, पर वो ना अजीब सा लग रहा था, फिर मैंने यही वाली कुर्ती डाल ली। ये थोड़ी सी सही लग रही थी, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था ज़्यादा वो। तो चलो फिर निकलते हैं, चलो चलो देर हो रही है, चलो चलो अपनी सैंडल निकाल लो। चलो और अभी हम दीदी के यहाँ ना पहुँचने ही वाले थे, और रास्ते में ना इतना पानी भरा हुआ था। थोड़ी सी बारिश होती है और इतना पानी भर जाता है सड़कों पे, और ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे कावे ने आते ही ले लिया इन भैया का फ़ोन, क्योंकि ये ना यहाँ पे इनके पास जो लड़का काम करता है, तो बस यहीं से आगे से काम पर निकल जाएगा। बिल वगैरह ले कर यहीं बुला लिया था इन्होंने। तो बस हम दीदी के यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ पे देखो आंटी जी की फ़ोटो बनवाई हुई है दीदी और ने, कितनी अच्छी फ़ोटो आई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी आंटी की फ़ोटो। और बस बच्चे ना खाना वगैरह खा रहे थे, क्योंकि 3 बज चुके थे, 4 बजे तक हमें गुरुद्वारे जाना था, क्योंकि गुरुद्वारे में ही भोग है, तो दीदी के घर के पास ही था गुरुद्वारा भी। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं खाना, और याना तो खाना कम खाती है, बातें ज़्यादा करती है। और सारे बच्चे ऐसे एक्साइटेड हो रखे थे, उनको कुछ समझ नहीं है, बच्चों को तो कुछ नहीं पता चलता, उनको बस ये कि हम लोग बस मिले हैं, इनको ये लगता है। और यहाँ पे ना इनकी मासी बैठी हुई है, और ये मासी की 3 बेटियाँ हैं, तो ये फर्स्ट टाइम दीदी के घर आई हुई थी। और यहाँ पे हम लोग उसके बाद आ गए हैं फ्रूट लेने, क्योंकि सारा सामान तो ले लिया था, बस फ्रूट ही रह गया था। तो हम लोगों ने सोचा बस वहीं जाके लेंगे फ्रूट वगैरह, तो बस वही लेने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गुरुद्वारे में, आ गए थे क्योंकि गुरुद्वारे में ही है भोग डलेगा गुरुद्वारे में, क्योंकि ना अब कई तो मंदिर में कराते हैं क्रिया वगैरह, और कई गुरुद्वारे में करा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो बस गुरुद्वारे में ही था। और मैंने ना वहाँ पे फिर वीडियो नहीं बनाई थी ज़्यादा, क्योंकि कावे के हाथ में ही था फ़ोन, पर अच्छा नहीं लगता वहाँ पे फिर ऐसे, तो कावे ही थोड़ी बहुत बना रहा था वीडियो, क्योंकि फिर किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा वीडियो ना वहाँ की बनाई नहीं थी। कहाँ पे मन रे कहाँ पयोते पौरा कहाँ पयोते। और अभी ना यहाँ पे अंकल जी भी आए हुए थे, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें उन्होंने देखा था, तो जैसे ही हम लोग निकलने लगे दीदी के घर के लिए, तो उनका ना फ़ोन आ गया था दोपहर में कि कहाँ पर है भोग, तो हमने फिर उनको बता दिया, और वो आ गए थे वहाँ पे। तो बस बात बात कर रहे थे वो मेरे से, और उसके बाद यहाँ पे चाय वगैरह का इंतजाम हो रखा था, तो बस सबने चाय वगैरह पी। और बारिश ना दोबारा चालू हो गई थी, पहले बारिश रुक गई थी, उसके बाद पर जैसे हम लोग बाहर निकले दोबारा से बारिश चालू हो गई। और फिर रास्ते में इनको कहीं जाना था, हम लोग पहले वहाँ गए, उसके बाद आ गए थे हम लोग मम्मी और के वहाँ पर। तो बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, यहाँ पे ना पापा आराम कर रहे थे, बस लेटे हुए थे, तो मैं आप लोगों से अब घर जाके मिलूंगी। बस दे रही हूँ।
यहाँ तो पता नहीं बारिश हुई नहीं ढंग से, वहां तो इतनी तेज बारिश थी, हम लोग गीले भी हो गए जब गुरुद्वारे से निकले ना, जब भी बारिश हो रही थी। और यहाँ तो समझ नहीं आई, मुझे लग रहा है यहाँ बारिश नहीं हुई है। और अब बस चार आई है, बीच में इनको कहीं काम से आना था, हम लोग वहाँ चले गए इनके साथ। और फिर मम्मी के घर से होते हुए बस अब आए, और आते हुए मैं सब्जी भी ले आई हूँ क्योंकि आज लगा हुआ नीचे बाजार, बाजार लगा कटहल वगैरह लेके आई हूँ, भिंडी प्याज वगैरह ना सब कुछ खत्म हो रहे थे तो लेके आई हूँ। और कावे अपने लिए लेके आया मोमोस, कावे मोमोस लेके आया अपने लिए, हम लोग को पियेंगे चाय, मोमोस खाएंगे बच्चे दोनों। और आज घर में आई है जलेबी, जलेबी आई क्योंकि कितने दिन से ना, पिछले फ्राइडे को बच्चों ने ना जलेबी खाई थी, तो अब उनका आज फिर दिल कर रहा था जलेबी खाने का। और हमारे घर में क्या आया है आज घर पे, आज घर पे क्या आया है, जलेबी बेबी तेरा कसी जलेबी। अभी देखना खा रहे जलेबी। आप मानोगे आज मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, पर आज उसकी पड़ गई डांट। आज उसके पापा ने उसे डांट दिया, पता है क्यों डांटा, क्योंकि कावे अभी नीचे ना बाजार लगा हुआ है, तो हम लोग सब्जी वगैरह लेके आए बस कावे और मैं, और जलेबी लेके आए। और कावे ने ना आते हुए ना ये पेन ले लिया, ये पेन देखो कितना बड़ा पेन है, दो पेन लिए। तो आके इसने अपने पापा को बताया, मैं उस टाइम नीचे थी, आके इसने अपने पापा को बताया मेरे पेन लिया। और कावे को इन्होंने कावे को डांट दिया क्योंकि इनको लगा कि शायद पैसे ये वेस्ट करके आया है, इसके पास पेन था। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कावे ने पेन क्यों लिया, कावे बताएगा कावे ने पेन क्यों लिया, बता तो सही, मुझे भी नहीं पता था इसका रीज़न, इसने मुझे बाद में बताया कि जब इसने लिया, बता जल्दी बता। मैं बताती हूँ, क्योंकि जो ये पेन बेच रहे थे ना नीचे, जो बाबा बेच रहे थे वो बहुत बूढ़े से बाबा थे, तो कावे ने मेरे को बोला मम्मी इनसे ना ये पेन ले लो, क्योंकि वो बहुत बूढ़े से, और वो कोई भी नहीं उनसे ना पेन वगैरह कोई नहीं ले रहा था। कावे ने जाके पहले एक लिया, फिर कह रहा मम्मी एक और ले लो। तो इसमें इनको पता नहीं था, जब इसने रीज़न बताया, मैंने आके इनको बताया कि ये रीज़न था इसलिए इसने लिया कावे ने, तो तब इन्होंने खुद ही सॉरी बोला फिर कावे को। और कहा और ना ऐसा होना ही चाहिए कि इनको लगा कि हाँ भाई मैंने गलत बोला है इसको, तो इसलिए सॉरी बोल दिया। हाँ ये नहीं कि अभी हम माँ बाप है तो हम सॉरी नहीं बोलेंगे बच्चों को, तो इन्होंने इसको सॉरी बोला फिर कि भाई। और इसकी सोच देखो कितनी अच्छी है कि हमें मतलब उन लेना चाहिए, हम दुकान से जाके ले आते हैं, पर जो ऐसे बैठे होते हैं तो उनसे नहीं लेते। पर कावे ने आज बहुत अच्छा काम किया है कि उनके बारे में इतना सोचा। और ना पहले ना उनसे ना कोई ले नहीं रहा था, पर जब देखा ना कि भाई हाँ भाई लोग ऐसे ही करते हैं कि हाँ भाई पहले तो लेते थे, हम भी ऐसे सोचते कि कोई दूसरा ले रहा है तो हम तब उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं, तो उसके बाद फिर एक दो जने ना और आ गए थे लेने के लिए। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हमें ये नहीं कि भाई दुकान से खरीदेंगे तो ही चीज़ अच्छी निकलेगी, तो हमें ऐसे ना उनकी मदद भी करनी चाहिए। वो कमा वो काम तो कर रहे हैं, इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, इस उम्र में बैठे हैं वो अपनी मेहनत से, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं था जब पेन लेने के लिए गए हम लोग, तो बस जब कावे ने लिया तो फिर उनके दो तीन जने और आ गए थे, तो जिससे बच्चे की ना अच्छा लगता है कि हाँ भी उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए, बच्चों की ना सोच उनको ऐसे समझ आनी चाहिए कि उसको देख के उनको समझ आए कि हाँ भाई मुझे लेना चाहिए ये। और बस अब बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना, क्योंकि हम लोगों ने तो चाय वगैरह पी ली तो अभी दिल नहीं कर रहा, और बनाने तो चावल थे मुझे, पर अब चावल नहीं बना रही, सब्जी रखी हुई है, बस बच्चों को खाना वाना बना के दूंगी। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय।